नगर परिषद पर मेरी विहंगम दृष्टिकोण है। अगर 10 रुपये का भी घोटाला मेरे नज़र में आएगा और कागज में फंसने वाला मामला होगा तो आप देखिएगा आगे क्या। सांसद जी हैं, इन लोग नैरेटिव पर चुनाव जीतने वाले लोग हैं। इन लोग को लगता है कि सिंबल हमारे हाथ में है तो जनता गाली दे देकर हमको चुनाव जीतवाएगी, इसीलिए ये लोग कोई अपनी तरफ से कोई ठोस पहल नहीं कर पा। अस्थायी अतिक्रमण किए हैं, उन पर 20,000 का जुर्माना का प्रावधान है नगर विकास के प्रधान सचिव के पत्र के आलोक में, और 5,000 रुपया अस्थायी अतिक्रमण लगाने पर जुर्माना का प्रावधान। देखना सच्चा का मुद्दा, झूठ से पर्दा हटेगा और सच ही दिखेगा, और आज की सच्ची कहानी जो है रक्सौल नगर परिषद पर हम बात करने वाले हैं। जो रक्सौल नगर परिषद के जाम की समस्याओं का शहर कहा जाता है और नवरात्रि का समय चल रहा है और रोड पे आप देख सकते हैं हर किनारे किनारे बाइक लगा हुआ है और नो पार्किंग में सब मैंने कह सकते हैं कि लगा हुआ है, और रोड की चौड़ाई काफ़ी है लेकिन लोग जो है कि रोड पे ही बाइक खड़ा कर देते हैं जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ ये लोग शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास और आज इनके पास आया कि संतुष्ट हैं कि नहीं, क्या लगता है सर आप जो करवाए हुए आपके तरफ से क्या लगता है कि इससे संतुष्ट हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए रक्सौल अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अमिताभ कुमार गुप्ता जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज एक बहुत ही स्ट्रांग बहुत मजबूत आदेश पारित किया है कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद रक्सौल को। मैंने उनके यहाँ एक केस किया था, एक बात दायर किया था, चूँकि बीच में स्कूटी और नहीं थे, उसके बाद कार्य कोई यहाँ पे PGRO भी स्थापित नहीं थे, तो उन्होंने मेरे फाइल को बढ़िया से अवलोकन किया और एक बहुत ही जो स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को कि जो नेपाली ई रिक्शा आता है उसको पुल के उस पर किया जाए और बाकी कस्टम से लेकर नहर चौक तक दोनों तरफ जो नाला बना है इस पर बैरिकेडिंग करते हुए बीरगंज की तरह इसको अब ये अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए। जो भी अस्थाई अतिक्रमण किए हैं उन पर 20,000 का जुर्माना का प्रावधान है नगर विकास के प्रधान सचिव के पत्र के आलोक में, और 5,000 रुपया अस्थाई अतिक्रमण लगाने पर जुर्माना का प्रावधान है। तो ये के आदेश कम से कम आया, हम मैंने पहले भी फेसबुक के माध्यम से मीडिया के माध्यम से ये कहा है कि हम एक तकनीकी आदमी है, टेक्निकल आदमी है, हम रोड पर तलवार भाजने वाले नहीं हैं, हम कलम के सिपाही हैं और हमने उनको कलम से बांधने की कोशिश की है और ये हमारी एक पहली जीत है कि एक बहुत ही मजबूत एक ये आया है। और इसमें एक और भी उन्होंने आदेश दिया है कि अगर स्कूटी 30 दिनों के अंदर में रक्सौल को अतिक्रमण मुक्त नहीं करते हैं तो आप जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो मेरा अगला चरण में हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हम उनसे भी मिलेंगे, उनको भी अपना ज्ञापन देंगे और सूचना के अधिकार से भी मांगेंगे और आपके चैनल के माध्यम से स्कूटी महोदय को हम बता देना चाहेंगे कि एक तकनीक का ज़माना है, जियो टैग वीडियो हम खींचेंगे और जहाँ जहाँ स्थाई अस्थाई ये है और प्रधान सचिव के पत्र के आलोक में उनको और इस आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाना होगा। जब वे नहीं हटाएंगे तो हम जो भी अग्रतर कार्रवाई होगा विधि सम्मत उसमें धरना होगा, सूचना का अधिकार से होगा और प्रधान सचिव के अंत में हम प्रधान सचिव पटना के पास जाकर धरना देने का काम करेंगे। उसके बाद अब भी नहीं कोई सुनवाई होगा तो हम हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन हम रक्सौल के चरमबद्ध विकास के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए जो भी तो आप जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से समस्या रक्सौल के खत्म हो जाएगा, जब समस्या खत्म हो जाएगा तो राजनीति खत्म हो जाएगा। अब जो भी जिनका राजनीति इसी से चलता हो उनकी चले, लेकिन शहर की खूबसूरती के लिए कड़े फैसले लेना जरूरी है। आप बीरगंज देखिए, आप जैसे जाते हैं कहीं दिखाई देता है हमें रोड में, उसके लिए जगह चिन्हित किया गया है, सबको दिया गया। हम गरीबों के विरोध में नहीं है लेकिन गरीबों को आप चिन्हित करके जगह दीजिए, सिर्फ मेन रोड में एनआरकी फैलाने के लिए गरीबी के नाम पर ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। जरा एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, ऑटो आपके सामने है, ऑटो सब रोड पे खड़ा हुआ है, दिखाइए जरा तस्वीर के, क्या लगता है हालात सुधर पाएगा कभी? रोड नहीं था तो रोड बना, ये जो हालात है जाम की समस्या और लोगों को इतर बितर जहाँ मर्जी वहीं गाड़ी खड़ा कर देना, रोड पे गाड़ी खड़ा देना, ई रिक्शा खड़ा कर देना, मोटरसाइकिल खड़ा कर देना, क्या लगता है इस चीज़ से जो है कि रक्सौल को मुक्त हो सकता है? देखिए हम आशावादी लोग हैं, हमको कानून पे विश्वास है और ये जो आज पत्र आया है ये पहला उनको बाध्य करेगा स्कूटी को, काम तो उन्हीं लोग को करना है, इम्प्लीमेंट करना है प्रशासन को, हम तो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं।
जो लोग सोच रहे हैं कि रोड पर उतर कर हम एक दिन दो दिन जाम हटा दें, तो ये समस्या का स्थायी निदान नहीं है। लेकिन नवरात्रि भर तक कम से कम उमेन में करना चाहिए, चाहे जैसे भी जिस परिस्थिति में हो, इस रोड को कम से कम खाली मतलब करवाना चाहिए, जाम की समस्या नहीं बने। और यही जाम की समस्या है कि कस्टम पे एक एम्बुलेंस में एक व्यक्ति जो मृत्युंजय मिस्त्री थे जिनकी अपने अपना जान खो दिए। बिल्कुल, देखिए हमारे जो स्कूटी महोदय है, हमारे जो विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, इन लोग नैरेटिव पर चुनाव जीतने वाले लोग हैं। इन लोग को लगता है कि सिंबल हमारे हाथ में है तो जनता गाली दे देकर हमको चुनाव जितवाएगी, इसीलिए ये लोग कोई अपनी तरफ से कोई ठोस पहल नहीं कर पा रहे हैं। हम कलम के द्वारा एक प्रयास कर रहे हैं और आशा है कि रक्सौल को हम पर हमको इतना विश्वास है कि हम अतिक्रमण मुक्त करके दिखाएंगे रक्सौल को। आपका तो मतलब हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन जो सामने हो रहा है, और एक गाड़ी देखिए काफ़ी ओवरलोड आ रहा है और वहाँ पर आगे नाका भी है और देख सकते हैं, देखिए तस्वीर के जरिए क्या लगता है, इतना ओवर जो है ओवरलोड गाड़ी अंदर ढूक रही है, हो सकता है हादसा भी हो जाए। और दुकान के आगे जितने भी दुकान है, जरा देखिए पूरा बाइक लगा हुआ है, जो है सेब वाले हैं, संतरा वाले हैं, ठेला वाले हैं, सब लोग लगा दिया था। क्या लगता है ये चीज़ मतलब दूर हो पाएगा, क्योंकि तो आज से आप तो विरोध कर नहीं रहे, पहले से करना इसका तो हमेशा से आप करते हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती है। रक्सौल की जनता ने मुझे मौका दिया होता तो डे आउट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया रहता। खैर, जनता का फैसला सर आंखों पर, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि हम अपना बयान, अपनी तलवार अपने बयान में रख दें। हमारी तलवार क्षेत्र कलम के माध्यम से काम कर रही है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसी जगह पर आप आकर हमसे खड़े होकर इंटरव्यू लीजिएगा और रक्सौल अतिक्रमण मुक्त होकर दिखाएंगे हम विद इन 3 मंथ। बिल्कुल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सिर्फ आप जाम के समस्या पे बात करते हैं कि फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार, इन सभी पर, और नेटवर्किंग मार्केटिंग का जो आतंक है पूरा रक्सौल में छा गया, इन सब पर बात करते हैं। हमसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पे कौन बोलता है? बुचड़खाना का जो आंदोलन होगा उसको हमने परिणति तक पहुँचाया, 6-6 महीना लोग भाग के, तीन तीन सभापति चुनाव हार गए, उसी चलते उसी नैरेटिव पे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मैंने फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार होता है। रक्सौल नगर परिषद पे हमारी नज़र है, हम विधायक सांसदी के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, हमारा एक क्षेत्र है। रक्सौल नगर परिषद पर मेरी विहंगम दृष्टिकोण है, अगर 10 रुपये का भी घोटाला मेरे नज़र में आएगा और कागज में फंसने वाला मामला होगा तो आप देखिएगा आगे आगे क्या होता है। अब बिल्कुल आगे भी हम आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे, लेकिन रक्सौल जो शहर है, फिर से कहना चाहते हैं जाम के समस्याओं का शहर कहा जाता है। और जरा एक बार और दिखा दीजिए, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का एक बोर्ड लगा हुआ है, बगल में यहाँ पर अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्र है और देख सकते हैं जाम की समस्या। लोग देखिए आएंगे और रोड पर इतर भीतर गाड़ी खड़ा कर देंगे, और बगल में मंदिर भी है, मंदिर का स्थिति आदेश में स्कूटी ने एक बोर्ड गठित कर दिया गया किया है कि हमको अतिक्रमण हटा देना है। उन्होंने सूचना दिया है कि हम बोर्ड गठित कर दिए हैं और एक टीम बना दिए कि अतिक्रमण हटेगा, टाइम फिक्स कर दिए कि सुबह में और शाम में नेपाली टेम्पो नहीं आएगा। उसके बाद उन्होंने इसमें लिखा है कि लगभग 2 दर्जन आदमियों को चिन्हित करके नोटिस दिए हैं कि स्थायी अतिक्रमण है और कुछ अस्थायी लोग हैं, उस सबको चिन्हित कर हटाया जाएगा। इसमें 30 दिनों का समय है, हम 30 दिन तक वेट एंड वॉच करेंगे और हम जब इस पर नहीं कुछ होगा तो हम निरंतर इस पर प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, 30 दिन समय है और 30 दिन के अंदर देखना है कि क्या होता है। बस बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, और रक्सौल के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अगर कुछ करना चाहते हैं रक्सौल के लिए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके लिए सबसे बड़ा चुनौती, अगर वीडियो शेयर कीजिएगा तभी 30 दिन में रक्सौल के रूपरेखा चेंज होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।